हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, उससे पैसा आपने कैसे करना है, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, सभी के पास स्मार्टफोन है। यूट्यूब हर कोई चला रहा है, फेसबुक हर कोई चला रहा है, लेकिन आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि यूट्यूब में वीडियो डाल डालकर बहुत से लोग लाखों में कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फेक नहीं है, ये रियल बात है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, आप उसमें वीडियो कैसे अपलोड करोगे, आप अपने चैनल को प्रमोट कैसे करना है, और उसे गूगल एडसेंस से कनेक्ट करके आप अपने जो भी अर्निंग होगी यूट्यूब वीडियो से, उसे अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं की तरफ। अपन गूगल पे जाते हैं और सर्च बार में सर्च करते हैं YouTube.com। ये देखिए, मैंने YouTube.com पे सर्च किया है, ये पेज ओपन हो रहा है। ये टॉप कॉर्नर में देखिए, जहाँ पे मैंने क्लिक किया साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप सबके पास जीमेल आईडी होगी, आप इस जीमेल आईडी का यूज़ करके इसमें साइन इन कर सकते हैं। मैं भी अपने जीमेल आईडी को यूज़ करता हूँ। ये देखिए, मैंने जीमेल आईडी यहाँ लॉगिन करके रखी है, बस इसे अटैच कर रहा हूँ, ये ओपन हो रहा है, ये डन हो गया। ये फिर से ये देखिए, यहाँ पे अब सिंबल चेंज हो गया है। अब मैं YouTube स्टूडियो पे जाता हूँ, ये ओपन हो रहा है। लोडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरा नेट स्लो है इसलिए लोडिंग हो रहा है। ये देखिए, एक्सप्लोर द न्यू YouTube स्टूडियो, गॉट इट कर दीजिए। ये देखिए, अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिखा है रेडी टू गेट योर चैनल स्टार्टेड। जैसे ही आप एक वीडियो अपलोड करेंगे, यूट्यूब आपके चैनल को एक्सेप्ट कर लेता है। अपन पब्लिक सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अपन को वीडियो पब्लिक को दिखाना है। पब्लिक सेलेक्ट कर लिए, ये रेड बटन पे क्लिक करिए, कोई वीडियो इसमें अपलोड कर दीजिए। ये मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, यहाँ पे आप इसका टाइटल दे सकते हैं जो भी है। सपोज आपने कोई एजुकेशन के बारे में बताया है तो यहाँ पे आप टाइटल दे दीजिए, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मतलब ये वीडियो में आपका क्या कंटेंट है, आपने इस वीडियो के बारे में क्या बताया है। अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। ये टैग्स दिया है यहाँ पे, आप इसमें टैग्स में वो कीवर्ड सर्च, मैं बाद में आपको बताऊंगा कीवर्ड सर्च क्या होता है। ये कीवर्ड सर्च, ये टैग्स बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे आप अपना वीडियो के बारे में 4-5 शॉर्ट लाइन लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपने सपोज मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तो मैं इसे टैग्स में दूंगा, हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल क्रिएट क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल,
पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसलेशन का है, ये जैसे आपने इंग्लिश को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो ये ट्रांसलेट का ऑप्शन है। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, देखिए एडवांस सेटिंग में क्या क्या है। देखिए कमेंट्स, कमेंट्स में यदि आप चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं, यस करते हैं, इसमें टिक लगाते हैं, तो आप लोग बाग आपके वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, और यदि उसको आप अनचेक करेंगे तो कोई कमेंट्स नहीं कर पाएगा। सिंडिकेशन है, ये कैप्शन सर्टिफिकेट है, इसमें आप कोई सेलेक्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या जो जो लिखा है, जो आप पे अप्लाई होता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। एज रिस्ट्रिक्शन, एज रिस्ट्रिक्शन उसके लिए जैसे आप कोई वीडियो डालते हैं और बच्चे ना देखने पाए तो वहाँ एज रिस्ट्रिक्शन डाल दीजिए, बच्चे बड़े कोई पर्टिकुलर एज के लिए। कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, आप कौन से वीडियो डाल रहे हैं, आप कॉमेडी वीडियो डाल रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग का वीडियो डाल रहे हैं, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपनी कैटेगरी। रिकॉर्डिंग डेट डाल सकते हैं, क्या आज की डेट डाल दीजिए, आपने आज के दिन रिकॉर्डिंग की है तो इसकी डेट डाल दीजिए। ये सब कुछ आपकी वीडियो में डिस्प्ले होगा। यदि ये पेड प्रमोशन है तो आप इसे पेड प्रमोशन कर सकते हैं। अब इसे पब्लिश कर दीजिए। ये देखिए आपका वीडियो अब रेडी है, प्रोसेसिंग हो रहा है, 95% हो गया है। इसमें लिखा रहा है योर वीडियो वाज अपलोडेड वंस प्रोसेसिंग इज कंप्लीट। ओ ओ ओ, ये देखिए क्या हो गया दोस्तों, ये वीडियो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के वाइल्ड लाइफ का वीडियो लिया है तो ये कॉपीराइट कंटेंट है, इसलिए यहाँ पे मैसेज आ गया है कॉपीराइट कंटेंट, इसलिए आपका वीडियो रिजेक्ट कर दिया है। मैं दूसरा वीडियो डाल के आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये यूट्यूब यदि आप पे आप अर्निंग करना चाहते तो इसके टर्म्स ऑफ कंडीशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, अदरवाइज आपका चैनल ब्लॉक भी हो सकता है, आपके वीडियो अपलोड्स नहीं होंगे। आपके खुद के वीडियोज़ डालने हैं, आपको खुद का कंटेंट होना है, कहाँ से दूसरे जगह से आप डाउनलोड करके इसमें डाल देंगे तो वो नहीं चलेगा, आपके ऊपर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये एनालिटिक्स है, इस पर आप एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं आपके कितने वीडियो हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, आपका वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, ये सब कुछ आपको बताएगा, आपका ऑडियंस कहाँ का है, ये सब कुछ आपको बताएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको चैनल में अपने पिक्चर कैसे लगानी है, अपने कवर फोटोज कैसे लगाना है। तो इसके लिए चैनल आर्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन में जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ कस्टमाइज चैनल पे। जैसे करेंगे ऐड टू चैनल आर्ट, चैनल आर्ट पे क्लिक किया, ये देखिए ओपन हो रहा है। अपलोड फोटो में जाएंगे, आप यहाँ से योर फोटोज में जाके भी चूज कर सकते हैं, गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। मैं अपलोड फोटो में जाके अपनी एक फोटो चूज करता हूँ और इसे अपलोड करता हूँ। फोटो अपलोड हो रही है, ये देखिए अपलोड होने के बाद तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखेगी आपकी फोटो। टीवी पे देखेंगे इस तरह दिखेगी, या कंप्यूटर पे इस तरह, या मोबाइल पे इस तरह। तो चूंकि मेरा फेस नहीं आ रहा तो मैंने एकदम फेस पे जूम कर दिया, अभी देखिए मेरा फेस तीनों पे नज़र आ रहा है, टीवी पे, मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे। ओके, सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी मेरे चैनल के कवर पेज पे ये दिखाई देगा, सेव हो रहा है, ये देखिए ये आ गया। अब चैनल आइकन सेलेक्ट करता हूँ, चैनल आइकन सेलेक्ट के एडिट ऑप्शन में जब जाएंगे तो ये अबाउट गूगल के पास आपको लिंक कर देगा। यहाँ पर आप जाके ये जो भी बन के आएगा, आप जो भी नाम देंगे उसका अल्फाबेट फर्स्ट लेटर आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये जैसे क्लिक करेंगे तो आपको
फोटो चूज करने के लिए देगा। ये फोटो आपका चैनल का आइकन होगा। मैं यहाँ जस्ट अपनी फोटो लगा के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी चैनल आइकन बना सकते हैं। ये सब चैनल आइकन बनाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, जिसमें पिक्सआर्ट एक ऐप हो, पिक्सआर्ट ऐप से काफ़ी अच्छा आइकन बनाया जा सकता है, लोगो आप बना सकते हो वहाँ से। ये अपलोड हो चुका है, डन कर दिया मैंने। After done, it will redirect you to YouTube. और कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करना, जैसे कि आपके जेंडर चेंज करना है या डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, ये भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी YouTube चैनल पे शो होगी। ये देखिए अभी शो नहीं हो रहा, मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये रिलोड किया, ये देखिए मेरा चैनल आइकन जो फोटो मैंने सेलेक्ट की थी यहाँ पे दिखने लगी है फोटो। अब आप चैनल के बारे में आपको बताना है, आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि आपका चैनल क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कि ये टैग चैनल है, न्यूज़ चैनल है, ट्रैवलिंग का चैनल है, आप क्या चैनल है आपका, जो भी है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में देने से आपको शो करेगा, सब लोग देख सकते हैं ये चैनल आपने किस लिए बनाया है, किस बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। मैंने डन कर दिया है। अब इसमें आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इंडियन हूँ इसलिए मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। आप यदि पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आप पाकिस्तान या बांग्लादेश भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये मेन चीज है दोस्तों, यदि आपकी कोई वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। ये वीडियो के टाइम पे आपको दिखाई देगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आप अपने वेबसाइट पे, अपने फेसबुक पेज पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो पे दिखेगा। तो आप जब भी वीडियो बनाएंगे तो आप अपने वीडियो में बताएं ये मेरी वेबसाइट है, मेरा फेसबुक पेज, इसे लाइक करें, इस पर विजिट करें, तो आपको आपका वेबसाइट और फेसबुक पेज भी प्रमोट होगा। ये मेरी वेबसाइट है, मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ दोस्तों, वर्डप्रेस पे मैं ब्लॉग लिखता हूँ। तो ये जो मेरी वेबसाइट है youtuberonline.com, इसको मैं लिंक कर देता हूँ, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूंगा, लिंक हो जाएगी। काफी टाइम लग रहा है इसमें, कोई भी लिंक आप ऐड कर सकते हैं इसमें। वापस से YouTube पे आ गए हैं, ये देखिए URL जो लिखा हुआ है URL पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट किसके बारे में है, तो वो आप वहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और भी इसी तरह से आप 5 लिंक कर सकते हो, जब भी वीडियो बनाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। ये देखिए चैनल में ऊपर वेबसाइट आ रही है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मैंने अभी टाइप किया था, ऊपर चैनल में आ रही है। वीडियो मैनेजर पे चलते हैं।
सॉरी वीडियो मैनेजर नहीं, ये वापस से ये आइकन पर क्लिक करूंगा मैं, क्रिएटर स्टूडियो पे जाता हूं, दोस्तों बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। नेट थोड़ा स्लो है दोस्तों, इसलिए टाइम लग रहा है। दोस्तों अब मैं आपको दूसरा वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल है, जो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है उसको मैं अब अपलोड करके आपको बताता हूँ। पहले वाला दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड किया था तो चूँकि कॉपीराइट आ गया वो रिजेक्ट हो गया, अभी दूसरा वीडियो आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों जब तक आप इसमें वीडियो अपलोड नहीं करोगे आपका चैनल बना हुआ नहीं माना जाएगा, एक वीडियो एटलीस्ट इसमें होना चाहिए। कोई ऑप्शन करना है पब्लिक सेलेक्ट करके, सेलेक्ट फाइल टू अपलोड करना है, जो एरो का अप एरो का निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके, ये देखिए अब मैं मेरा खुद का वीडियो से रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो मैं इसमें अपलोड करता हूँ, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगी, छोटा सा वीडियो, छोटा कम एमबी का ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, मैं इसको अपलोड करता हूँ। 9 MB का है ये, 10 MB का है, कोई 2 MB है जल्दी हो जाएगा अपलोड, तो आपको आगे बताने में मुझे आसानी होगी और जल्दी भी होगा। ये देखिए फिर से वही प्रोसेस चालू हुई, 2 MB का वीडियो मेरा अपलोड हो रहा है, तब तक मैं इसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, टैग्स वगैरह भी दे। दोस्तों टैग देना बहुत ज़रूरी है, टैग्स देने से क्या होता है कि आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे आपने अच्छा टैग्स दिया है, दोस्तों ये टैग भी एक तरह का वो है, टैग्स का कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा इसके लिए। कीवर्ड सर्च में क्या होता है कि आप अच्छे टैग्स देंगे तो आपका सर्च में आएगा, जैसे कोई सर्च करता है किसी चीज़ के बारे में तो आपका सर्च आएगा, तो आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, फिर लोग बाग अच्छा लगेगा वीडियो तो आपके सब्सक्राइब बढ़ेंगे, आपका चैनल ग्रो करेगा, इसलिए टैग्स बहुत ज़रूरी है और डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरा अपलोड हो गया, मैंने इसे पब्लिश कर दिया है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देता हूँ, तो टैग बहुत ज़रूरी है और डिस्क्रिप्शन में भी आप अच्छे से अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखिए जो कि गूगल सर्च पे आए। इसके लिए आप कीवर्ड सर्च का यूज कर सकते हैं, गूगल में जाके गूगल सर्च पे कुछ कीवर्ड्स यूज करके टाइप कर लीजिए तो आपके सर्च होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये ट्रांसलेशन सेटिंग्स वगैरह चेंज करना है या एडवांस सेटिंग्स का कमेंट करना है या नहीं करना है, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आगे निकलता हूँ, अभी सेव चेंजेस कर देता हूँ यदि आपको कुछ चेंजेस करना है। दोस्तों वीडियो अपलोड करने के बाद इसका जो थंबनेल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, थंबनेल मतलब आपने जिसे वीडियो अपलोड की तो आपका सामने क्या आता है, जैसे आप अभी किसी का फोटोज देखते हैं हाउ टू मेक मनी, हाउ टू $300 और उसके साथ उसकी फ़ोटो बनी होती है, वो चीज़ थंबनेल कहलाता है, वो चीज़ बहुत नेसेसरी होता है, वो आपके वीडियो को रिप्रेजेंट करता है, उसको लोगों का ध्यान आपके वीडियो की तरफ खींचता है, तो थंबनेल बहुत ज़रूरी है, इसे आप बहुत अच्छे से बनाना है। ये देखिए मैंने जो वीडियो अपलोड कर दिया था वो अभी शो कर रहा है, हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियो। दोस्तों इसमें मैंने अभी थंबनेल नहीं डाला है तो इसमें ऑटोमेटिक कोई थंबनेल ले रहा है, मैं आपको बताऊंगा थंबनेल कैसे डालना है, ये बहुत जरूरी पार्ट है, इसमें सब्सक्राइबर और आपको दिखा रहा है अभी मेरे 0 सब्सक्राइबर है, नया चैनल है। दोस्तों मेरा एक दूसरा चैनल है उसमें मेरे 600 से 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो चैनल आप देख रहे हैं वही चैनल है।
चलते हैं एडवांस ऑप्शन में, यूट्यूब स्टूडियो पे जाके एडवांस ऑप्शन में दोस्तों आप काम की चीज आएगी आपके एडवांस ऑप्शन में। बहुत सारा टाइम तो लोडिंग होने में ही निकल जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो का ऑप्शन है, डैशबोर्ड है, एनालिटिकल्स है, कमेंट्स है। ये देखिए दो वीडियो डाले थे दोस्तों मैंने, एक तो पब्लिक हो गया है, विजिबिलिटीज की पब्लिक है, दूसरा रिजेक्ट कर दिया गया है जो कि कॉपीराइट वीडियो था, मैंने आपको बताया है दोस्तों। ये आप कॉपीराइट वीडियो कभी भी मत डालिए, कम्युनिटी गाइडलाइन के, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है ये। इसमें ऑप्शन आ रहा है आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं इसे। देखिए थंबनेल की बात कर रहा था, ये देखिए यहाँ थंबनेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो बहुत जरूरी पार्ट है दोस्तों, ये थंबनेल बनाना मतलब ये अलग ही एक टॉपिक है। थंबनेल से ही आपकी वीडियो लोग बाग देखते हैं। इसके बाद सेटिंग्स में जाते हैं दोस्तों, देखिए डैशबोर्ड में आप न्यूज़ चैनल एनालिटिकल्स वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में देखिए दोस्तों इसमें आप सेटिंग कर लीजिए कि जैसे आपका पेमेंट आएगा वो यूएस डॉलर में आएगा, जो उन से भी करेंसी आपके कंट्री की वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्रिएटर क्लासिक स्टूडियो मेरे को अच्छा लगता है, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। ये एनालिटिकल ऑप्शन है, एनालिटिकल ऑप्शन में दोस्तों आप वीडियो की एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, मतलब आपका वीडियो कितनी बार देखा गया, कहाँ देखा गया, कितने मिनट वॉच किए गए, कितने व्यूज मिले, सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये अदर सेटिंग्स में दोस्तों, ये एडवांस ऑप्शन में जाना है, अदर सेटिंग्स जाके एडवांस चैनल सेटिंग्स में जाना है आपको। ये मैं एडवांस चैनल सेटिंग्स में जाता हूँ दोस्तों, अब यहाँ पे आपके काम की चीज मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा। ये चैनल ऑप्शन में जाके यहाँ चार ऑप्शन आ रहे हैं देखिए, स्टेटस एंड फीचर्स। ये देखिए जो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है,
मेरे में वेरीफाइड है, इसको कोई मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना पड़ता है। दोस्तों ये वेरीफाई इसलिए किया जाता है ताकि आपकी वीडियो, आप 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो डालना चाहते हैं तो इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। इंडिया कंट्री सेलेक्ट करके टैक्स मी द वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों एक OTP आएगा, OTP को आपको डाल देना है इसमें। जैसे ही OTP डालेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। एडवांस सेटिंग ऑप्शन में फिर से जा रहा हूँ, ये वेरीफाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एडवांस सेटिंग के ऑप्शन में, और एक ऑप्शन है चैनल में जाके एक ऑप्शन है एडवांस में। दोस्तों यहाँ चैनल का कीवर्ड्स दे सकते हैं, जो भी आपको चैनल के कीवर्ड्स देना है वो आपके दे सकते हैं। चैनल का कीवर्ड्स जो है आप किस टॉपिक पे चैनल लिख रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। कीवर्ड्स को आप सर्च करना पड़ेगा। आप कीवर्ड सर्चिंग के लिए बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं। ये एडवर्ड अकाउंट लिंक कर सकते हैं। दोस्तों एडवर्ड अकाउंट क्यों लिंक करना है, एडवर्ड अकाउंट का क्या यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एडवर्ड अकाउंट क्या है, आपकी वीडियो को प्रमोट करने के लिए। यदि आप पेड प्रमोशन लेना चाहते हैं, सपोज आपको कोई एक अच्छा वीडियो आपने बनाया है और चाहते हैं उसमें व्यूज़ नहीं आ रही है, तो दोस्तों ये यहाँ पे आप एडवर्ड का यूज़ करके एडवर्ड आईडी डाल के उस वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। एडवर्ड अकाउंट कैसे बनाना है यदि आपको जानना है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। ये एडवर्टाइजमेंट जो बता रहा है डिसेबल इंटरनेट बेस एड्स, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप कोई वीडियो देखते हैं तो एड्स आपकी डिसेबल हो जाएगी इस पर, यदि चेक कर दिया तो। ये एनालिटिकल्स का पूरा बायोडाटा दिया है। एनालिटिकल्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल अपन काम की बात करते हैं। ये देखिए आपका कुछ एनेबल ऑप्शन है इसमें, जैसे कि अपलोडिंग, मोनेटाइजेशन, लाइव स्ट्रीमिंग, एम्बेडेड लाइव स्ट्रीम्स, ये वगैरह। तो अपन मोनेटाइजेशन पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे वीडियो का यही मेन पार्ट है, मोनेटाइजेशन आपको कैसे करना है, अपने वीडियो की मोनेटाइजेशन सेटिंग कैसे करनी है। इसके लिए क्या करना है, आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए मोनेटाइजेशन लर्न नाउ में। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन है मोनेटाइजेशन, इसमें क्या बताया दोस्तों, अकाउंट स्टेटस मोनेटाइजेशन नॉट इनेबल्ड। तो इसमें देखिए कंडीशन दिया हुआ दोस्तों, यू कैन अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन एट एनी टाइम टू बी रिव्यूड, ऑल चैनल नीड एटलीस्ट 4000 वॉच आवर इन प्रीवियस 12 मंथ 12 मंथ एंड 1000 सब्सक्राइबर। मतलब आपके जिस टाइम से चैनल बना है उसके 12 महीने के अंदर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन कर देते हैं, जितनी भी कंडीशन है आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, आई एग्री दैट आई विल क्लिक गूगल एड्स दैट आई एम सर्विंग थ्रू गूगल प्रोडक्ट्स, ये सब एग्री कर लिया है आपने। ये आपका आप अप्लाई कर दिया अप्लाई मोनेटाइजेशन के लिए। अब साइन अप करना पड़ेगा एडसेंस। दोस्तों गूगल एडसेंस, गूगल के जितने भी विज्ञापन होते हैं, जितने भी ऐड होते हैं, ये गूगल एडसेंस के थ्रू ही आपके वीडियो में अपीयर होंगे। जो भी आपका अर्निंग्स होगा इसके थ्रू ही आपके यूट्यूब अकाउंट में शो करेगा। गूगल एडसेंस ही ऑथराइज होता है कौन सा ऐड चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए आपको गूगल एडसेंस के अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों गूगल एडसेंस वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एड्स को प्रमोट करने के लिए आपके वीडियोस में उसको विज्ञापन को पुट करती हैं। चलिए ये भी बता देता हूँ गूगल एडसेंस के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको साइन अप करना पड़ेगा,
क्योंकि आपको पहले से साइन अप है, तो ये देखो मेरा विराट कोहली के नाम से साइन अप था, तो इसने पहले से जीमेल आईडी को डिटेक्ट करके यहाँ पे साइन अप कर लिया है। ये आपका वेबसाइट है, मतलब यूट्यूब का लिंक, चैनल का लिंक आपका दिया हुआ है, गेट मोर मोर आउट ऑफ एडसेंस, यस कर दीजिए इसे। आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी टर्म्स और कंडीशन आप पढ़ लीजिए। हाँ जो जो आपको अच्छा लगे पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो यस कर दीजिए। आई हैव रीड ऑल एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, क्रिएट एन अकाउंट, क्लिक कर दीजिए इस पे। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। मेरा नोट नेट बहुत स्लो है दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए एड्स मेड इजी, गेट स्टार्ट कर देते हैं। पेमेंट एड्रेस डिटेल डालनी पड़ेगी कि आपको पेमेंट किस एड्रेस पे लेना है, ये आप डिटेल डाल दीजिए यहाँ पर। एड्रेस लाइन वन डाल दीजिए। अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल कर दीजिए, एड्रेस लाइन वन डाल दीजिए, लाइन टू डाल दीजिए, पोस्ट कोड डाल दीजिए, स्टेट क्या है आपका वो डाल दीजिए, टाउन और सिटी क्या है आपका, टाउन सिटी जो भी है, मेरी अनुपपुर में या अनुपपुर डाल दे रहा हूँ। अनुपपुर डालते ही इसका पिन कोड ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। आपका स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, व्हाट एवर इज योर स्टेट। आई एम लिविंग इन मध्य प्रदेश, सो आई हैव सेलेक्टेड मध्य प्रदेश हियर। माय नंबर इज ऑलरेडी देयर, यू कैन पुट योर कॉन्टैक्ट नंबर हियर। सबमिट द फॉर्म। अगेन वेरिफिकेशन, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, आपको एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, जैसे आप नंबर डालेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए, वो ओटीपी जो आ रहा है आपके अकाउंट में वो डाल दीजिए। मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं इसे डालता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है ओटीपी आने में। ये देखिए मेरा ओटीपी आ गया है। इंटर करके सबमिट कर देते हैं। रीडायरेक्टिंग यू टू योर होस्ट, जहाँ से आपने गूगल एडसेंस को लिंक किया था वापस वो आपको वहाँ रीडायरेक्ट करेगा। यदि नहीं हो रहा है तो आप नीचे रीडायरेक्ट में क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक लेगा। ये देखिए दोस्तों अब वापस यूट्यूब पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे एडसेंस रिक्वेस्ट, ये एसोसिएट एडसेंस अकाउंट आपका हो चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, जब आपका अकाउंट मोनेटाइज होगा तो आपको किस किस तरह की वीडियो आपको लगाने हैं, तो यदि आप चारों सेलेक्ट कर लीजिए, आपको वीडियो ऊपर नीचे राइट साइड में कहाँ पे भी है, जहाँ पे भी लगाना है वो वीडियो आपके आ जाएंगे। तो ये आपका अब लास्ट जो स्टेप बचता है रिव्यू, मतलब आपको यूट्यूब की कंडीशन फॉलो करनी है, उसके बाद आपका चैनल रिव्यू में जाएगा और यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में यहाँ रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यहाँ पे आपके काउंट और वॉच टाइम शो करेगा, जैसे जैसे आपके काउंट और सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ेगा, यहाँ पे है अभी मेरे 00 हैं तो यहाँ 00 दिखा रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको फाइनल प्रोसेस बता दिए कि
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आपके कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो